जिस प्रकार हॉर्स और डोंकी के खुर काटे जाते हैं वैसे ही बकरों के सिंग भी काटे जाते हैं। अगर आप डोंकी के खुर कुछ समय तक नहीं काटोगे तो इनके खुर इतने बड़े हो जाएंगे कि सीधे चल भी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर गोट के हॉर्न को नहीं काटा गया तो इनकी मौत भी हो सकती है। दरअसल गोट के हॉर्न किसी भी डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं। अक्सर इनके हॉर्न आंखों को बेदने के लिए आंखों की तरफ बढ़ते हैं और कई बार इनके चेहरे और स्कल में भी धंसने लग जाते हैं। अगर सही समय पर इनके हॉर्न नहीं काटे गए तो एक खोपड़ी को पार करते हुए ब्रेन को डैमेज कर देंगे। के हॉर्न काटने बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अब ये भी जान लेते हैं इनके हॉर्न काटे कैसे जाते हैं। पहले तरीके में एक वायर की मदद से लेफ्ट राइट हैंड से पुलिंग मोशन में काटा जाता है और दूसरे तरीके में सिंपल एक मशीन से काट दिया जाता है। अब आप सोचोगे ये छोटे छोटे पीस को क्यों काट रहे, पूरे सिंग को क्यों नहीं काट देते। दरअसल इसका रीजन है कि ज्यादा काटने से बकरियों के बोन्स भी डैमेज हो सकते हैं। हाँ, सिंगों के अंदर हड्डियां भी होती है।